नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर पर गाजीपुर समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नोएडा और आसपास रह रहे गाजीपुर जिले के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री मनोज सिन्हा ने विकास कार्यों की गिनती गिनाई। मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत सरकार के विचार के केंद्रीय बिंदु है और पिछले 4.5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसने वहां की तस्वीर को बदला है। रेल और सड़क की अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल के लोगों को मिली है। इसके साथ ही मनोज सिन्हा ने कहा कि गाजीपुर में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जिला हाईटेक हो जाएगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत सरकार के विचार के केंद्र बिंदु में और पिछले 4.5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसने वहां की तस्वीर को बदला है और मैं समझता हूं कि अच्छी कनेक्टिविटी रेल की, सड़क की पूर्वांचल के लोगों को प्राप्त हो सकी है। दूसरी बात मुझे लगती है कि ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं इनको भी काफी प्रभावी ढंग से, चाहे वो 2022 तक सबको आवास देने का प्रश्न हो या हर घर तक बिजली देने का प्रश्न हो, गरीब आदमी के घर में LPG माने रसोई बनाने वाली गैस हो, 5.69 करोड़ लोगों को पहुंच चुका है और 8 करोड़ का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। जनवरी तक अब एक परिवार नहीं बचेगा जिसके घर में बिजली न हो। जो आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रबंध किया गया है, मैं समझता हूं कि ऐसे काम हैं जिनसे आम आदमी में विश्वास जागृत हुआ है। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहां पर बस रहे गाजीपुर के लोगों को गाजीपुर में हुए विकास कार्यों के बारे में अवगत कराना था। इस दौरान मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ सीधा संवाद भी किया जिससे ये जाना जा सके कि गाजीपुर की जनता को और क्या क्या चाहिए ताकि गाजीपुर में विकास और भी तेज गति से हो सके। पंजाब केसरी TV के लिए नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।